दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पपिया के पत्ते का जूस। क्यों हमें जरूरत पड़ी पपिया के पत्ते के जूस को बनाने की? क्योंकि आज हमारे एक फैमिली मेंबर जिनको डेंगू हो गया, अभी वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो डेंगू के जो प्लेटिनम कम हो जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए ये जो पपिया के पत्ते का जो जूस होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम आप जूस बना रहे हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी काटना है छोटा छोटा काट के, तो इसको काट के अच्छे से वॉश करके इसको ग्राइंडर में, या तो फिर जूसर में भी निकाल सकते हो, या फिर आप ग्राइंडर में इसको क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना ताकि ये घूम सके। तो घूमने के बाद फिर मैं कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूँ पूरा। तो चलिए अभी इसको मिक्सी में डालते हैं, ठीक है? इसमें मिक्सी में डालते हैं। तो अभी जैसे गिव मी सम वाटर, वेरी लिटिल, थोड़ा। तो ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा सा बनेगा ये, और इसको फिर क्या करना, आपने छन्नी में छान लेना है। तो ये ऐसे छन्नी में डाल लेना है। तो छन्नी में डालो, करो अभी नहीं करो, हाँ ऐसे ऐसे स्लोली 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 स्लोली। कीप डूइंग कीप डूइंग, गिव इट मी लाइक दिस, ओके? ताकि इसका जो नीचे वाला वो नीचे चला जाए ऐसे, ठीक है? ऐसे हो गया। हो गया, कुछ ऐसा सा बनेगा ये। 2 या 3 स्पून 3 टाइम लेना जब जिसको भी डेंगू होगा तो, ठीक है? तो ये जो प्लैटिनम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस आज की यही थी वीडियो। तो ठीक है, तो जूस बनाने के बाद कुछ ऐसा सा बना है, इतना सा जूस बना, मैंने 3 पत्ते लिए थे, 3 पत्तों का इतना जूस बन गया, ठीक है? तो ये अभी जाएगा भैया जी के पास, और भैया जी 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये नहीं,